हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए कद्दू की सब्जी लेकर आई हूँ, जो बिना लहसुन प्याज की। और कद्दू की सब्जी को देखकर मुंह ना बनाए, शुगर वाले भाई बहनों के लिए बड़े काम की सब्जी होती है। शुगर में कद्दू की सब्जी के बेशकीमती फायदे होते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही फायदा देगी, और सही मात्रा में सेवन करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद है। और तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें, 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को, और अपने खान पान का ध्यान रखें। सैर करने से आपका रक्तचाप ठीक रहेगा, इसीलिए तो भाई बहनों बार बार कहती हूँ सैर जरूर करें। आइए जानते हैं शुगर वाले भाई बहनों के लिए कद्दू की सब्जी कैसे बनाएं। ये देखिए कद्दू, सबसे पहले तो आपको ये कच्चा कद्दू लेना है, ये देखिए नरम छिलके वाला, ये देखिए ऐसे, जिसमें आसानी से आपको लगता है कि नाखून घुस जाता है। ये देखिए कच्चा कद्दू लेना है बिल्कुल, इसको साबुत धोना है। अब इसको हम काटते हैं, ये देखिए ये देखिए इसको काट कर देखते हैं। और ये देखिए इसको छीलेंगे नहीं, क्योंकि कद्दू के छिलके में भी अनेकों गुण होते हैं, इसलिए इसको छीलना नहीं है, काट कर देखते हैं। ये देखिए काट लेते हैं। अब इसके बीज देखते हैं, ये देखिए अगर इसका बीज कच्चा है, ये देखिए इसका बीज एकदम नरम एकदम कच्चा है, ये देखिए इसका बीज बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अगर इसका बीज पक्का है तो उसको निकाल देते हैं, क्योंकि इसके बीज में भी अनेकों गुण पाए जाते हैं। अब इसके छोटे छोटे पीस बना लेते हैं, ये देखिए। और इसके लिए हमें और क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। ये देखिए साबुत मेथी दाने वाली, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, नमक और ये हींग, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, दो लाल मिर्च साबुत, और ये देसी टमाटर, दो देसी टमाटर जो हमने काट कर रखे छोटे टुकड़ों में, देसी टमाटर ही लेना है। अब हम कद्दू काट लेते हैं, ये देखिए छोटे छोटे पीस बना लेते हैं, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे, और ऐसे सारा काट लेते हैं। और ध्यान रहे इसका बीज और ये गुद्दा और छिलका बिल्कुल नहीं निकालना, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे ही सारा काट लेते हैं, और देखिए हमारा सारा कद्दू कट चुका है। कद्दू काटने के बाद गैस ऑन करते हैं और गैस पर कढ़ाई रखते हैं। अब कढ़ाई में हम तड़के के लिए सरसों का तेल डालेंगे, ये देखिए एक छोटा चम्मच। अब तेल गर्म होने के बाद आधा चम्मच साबुत मेथी डालते हैं दाने वाले, एक चुटकी हींग डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दो साबुत मिर्च, मेथी को हल्की ब्राउन करते हैं, ये देखिए ज़्यादा काली नहीं करनी, और लाल मिर्च को भी थोड़ा भून लेते हैं। अभी देखिए हमारी मेथी एकदम लाल हो चुकी है, और ये साबुत मिर्च भी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें कद्दू डालते हैं, देखिए और सब साबुत ही धोना है, काटने के बाद नहीं धोना, सारा डाल देते हैं। अच्छी तरीके से उलट पुलट कर देते हैं, देखिए अच्छी तरह से उलट पुलट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं, एक बारी कटी हरी मिर्च डालते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, अच्छी तरह से चलाते। अब हम डालेंगे इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार डालते हैं, अच्छी तरह से इसे चलाते हैं। अब इसको दो तीन मिनट के लिए ढक देते हैं, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, और अभी हम इसमें टमाटर भी नहीं डालेंगे,
अभी देखिए दो मिनट के बाद कद्दू नरम हो जाता है। ये देखिए देखिए ऐसे काट कर देखिए, अगर आसानी से कट जाता है तो देखिए जैसे कद्दू नरम हो जाता है। अब हम इसके बाद में टमाटर डालते हैं, देसी टमाटर डालने, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट और पकाते हैं, ढक देते हैं। और ये देखिए हमारी कद्दू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, उसको परोसते हैं। देखिए अच्छे से पक चुकी है, देखिए। और ये देखिए शुगर वाले भाई बहनों के लिए कद्दू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। और यह शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक है, पेशाब की समस्या को भी दूर करती है। और आप कद्दू की सब्जी का 1 कटोरी का सेवन कर सकते हैं, रात को, दिन में, डिनर में, किसी भी समय, जब भी आप चाहे उसी समय इसका 1 कटोरी का सेवन कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। हफ्ते में 1 या 2 बार कद्दू की सब्जी का सेवन जरूर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।